नमस्कार, मास्टर रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत। एक हमारे यूपी में मिर्चौनी बनती है, माने सूखी मिर्ची, और उसको फ्राई करके फिर खिचड़ी या दाल चावल के साथ खाते हैं। वैसे महाराष्ट्र में दही मिर्ची या मसाला मिर्ची बनती है, ऐसे एक तिल्ली वाली मिर्ची बने, तिराची मिर्ची ऐसे कहते हैं उसको। तो ये तिल्ली वाली मिर्ची जो है हम बनाएंगे और खाएंगे बढ़िया चावल दाल के साथ, खाना है आइए। तो ये मिर्ची जो है तो सूखी मिर्ची नहीं है, ये सब्जी जैसे खाई जाती है, बड़ा मज़ा आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, तकरीबन एक आधी कटोरी तिल जो है अच्छे से भून लेंगे धीमी आंच में इस टाइप से। और तिल भूनने के बाद हमने एक चम्मच जो है तेल ले लिया, तेल में जीरा और साबुत मेथी का दाना, और इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और ये दोनों जो है माने तिल, मेथी दाना, भुना हुआ जीरा, ये सारा इकट्ठा करके ठंडा करने के बाद हम मिक्सी में पीसेंगे। साथ में मैं थोड़ी सी शक्कर डाल दी, नमक और ये नींबू का रस। और इसे अच्छे से पीस लेंगे। जब तक ये जो मिर्ची है, देखो इस प्रकार से हम काटेंगे बीस से, और मिर्ची भी थोड़ी बड़ी चाहिए इसमें, जैसे कैविटी बनाकर ये जो मसाला हमने पीसा हुआ था मसाला इसमें भर देंगे इसे। क्या बात है, एक बात बताऊं आपको, ये जो मसाला हमने पीस के रखा है वो चटनी की तरह भी बहुत ही बढ़िया लगता है। कुछ नहीं, एक सूखी रोटी ले लो, उसके ऊपर मसाला डाल दो, हल्का फुल्दी जाने का तेल डालना है तो तेल डालना, रोल करो खा लो, काठी रोल खाते ना आप, बस वैसे ही। अब ये बनाते बनाते एक बात हमारे परीक्षित जो है, जो हमारे डीओपी है, उन्होंने कहा कि सर लाल मिर्ची चलेगी क्या? मतलब बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं, पर लाल मिर्ची का जो ना लाइफ बहुत कम है, बहुत कम समय के लिए आती मार्केट में, तो जब भी मिर्ची मिले मच्छू के त्यौहार उठा लो और बनाओ। अब थोड़ा सा तेल जो है फिर से हम गर्म करेंगे, और तेल में हम जीरा डालेंगे, और जीरे के साथ ये मिर्ची जो है थोड़ी सी चलाएंगे। अब होता यूँ कि तेल ज़्यादा है, मिर्ची तो हम निकाल लेंगे, जो बचा हुआ तेल है उसका क्या करना, तो उसका क्या करना कि जब बेसन भात हम बनाते हैं उसके ऊपर डालने के लिए, या रोटी खाते हैं सूखी उसके ऊपर डालने के खाने के लिए बहुत अच्छा लगता। हमारी दादी जो थी बैतूल में रहती थी, बैतूल इटारसी पता है आपको, मुलताई, तो वहाँ पर चावल और ये तेल और नमक साथ में बस ऐसे मिला के खा लेते थे, अलग अलग मजा, अलग अलग लोग। चलिए देखिए कितने कम समय में मिर्ची तैयार हुई। अब मैंने कहा था कि इसे खाना कैसे, तो पूरी थाली भरी है, राइट हैंड में सारी सब्जियां होती और लेफ्ट हैंड में क्या होता कि ये चटनी होती, नमक होता, मिर्चौनी होती, नींबू होता, कि जो हमारी सब्जी जो है वो कभी कुछ कम ज़्यादा होती, किसी में नमक को ना कोई फीकी होती, और मुझे तेज़ खाने की आदत है, तो मैं क्या करूँगा, चटनी लूँगा लेफ्ट हैंड से और फिर उसको अपने हिसाब से बनाकर इसको खाएंगे। देखिए अभी इस थाली में क्या क्या है, राइट हैंड में सब्जियां हैं सारी, लेफ्ट हैंड में चटनियाँ हैं, ये जवस की चटनी, हरी चटनी, नींबू का रस, उसके बाद में गाजर है, बीट है, चावल है, और ये हमारी मिर्ची इस प्रकार से। तो इस तरीके से खाइए,
ये हमारी मराठी तिराची मिर्ची, तिल की मिर्ची, और खाने के बाद आपको सच में ऐसे लगा कि नहीं भैया कुछ तो हमने खाया है, खाओगे ना? चलिए देखते रहिए मास्टर रेसिपीज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।